हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप जिसे थंबल के अनुसार आप देख सकते हैं कि UPPSC 2019 के यहाँ पे जो 7 प्रश्नों पर यहाँ पे आपत्ति की जा रही है, और ये जो आपत्ति की जा रही है मेरे द्वारा नहीं की जा रही है, एक पत्रिका के ठीक है सूत्रों का हवाला से आप समझ सकते हैं कि उनका ये न्यूज निकला हुआ है, किसमें जो 7 प्रश्न है आप इन 7 प्रश्नों पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो जल्दी आप लोगों को क्या करना है ठीक है कि रिक्वेस्ट भेजना है 22 दिसंबर तक को आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजना है। जो जो प्रश्न सिर्फ इन 7 प्रश्नों ही नहीं, जो जो प्रश्नों पे अगर आप लोगों का आपत्ति होगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 7 प्रश्न फिलहाल कौन कौन से हैं। लेकिन देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप इस सारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरला मंदता नामवा नामचा बारवा। अब इसको लेके यहाँ पे पत्रिका के प्रकाशकों का दावा है कि इस प्रश्न के 2 विकल्प सही है, लेकिन लगाना हमको एक ही है यहाँ पे, गुरला मंदाता के साथ ही नामचा बारवा भी सही है। तो इसको लेके यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहीं आयोग ने क्या किया है कि अभी सिर्फ गुरला मंदाता को ही सही उत्तर बताया है। तो इसको लेके भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई रिसोर्स लेकर आपको क्लेम करना है। दूसरा यहाँ पे कूट आधारित प्रश्न है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता क्या है। तो इसमें देखिए आप कि कारण जो है यहाँ पे बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, और इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ए विकल्प यानी कथन और कारण दोनों सही माना हुआ है तथा कथन कारण की सही व्याख्या को माना है। और इसमें पत्रिका को एक तरीके से दावा है यहाँ पे कि इसका विकल्प डी ठीक है, अर्थात कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसको भी लेके आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन से यहाँ पे उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए बनी समितियाँ यहाँ पे, इसमें देखिए सही कूट में लगाना था ठीक है, सीक्वेंस में इसको सजाना था। इसमें जो पत्रिका का दावा है कि कहा जा रहा है कि इसके अनुसार व्यवस्थित करने संबंधी प्रश्न सी विकल्प को आयोग ने सही माना है, जबकि पत्रिका का दावा है कि प्रश्न ही गलत है क्योंकि इसके चारों विकल्प में कोई भी कहा जा रहा है कि सही नहीं है। इसको लेके भी आप क्लेम कर सकते हैं। चौथा नंबर है यहाँ पे कूट आधारित प्रश्न, हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, और कारण दिया हुआ है यहाँ पे कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसमें आयोग ने बी विकल्प ठीक है उत्तर माना हुआ है, और कथन कारण दोनों सही है। लेकिन इसमें देखिए जो पत्रिका का दावा है इसका ए विकल्प यानी कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या है यहाँ पे ठीक है। तो इसको भी लेकर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। पांचवा है यहाँ पे कूट आधारित प्रश्न, हिंद महासागर की कई बड़ी शक्तियों का महाअड्डा बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन कारण यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी है दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे जो कारण है यहाँ पे देखिए ठीक है, कहा जा रहा है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, और इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने बी विकल्प यानी कथन तथा कारण दोनों सही माना है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसमें पत्रिका ने दावा किया है कि इसका विकल्प ए अर्थात कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। तो इसको भी लेके यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप क्लेम कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको हमने ऊपर देख लिया था ठीक है, नामचा बारवा वाले को। सिक्स नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कूट आधारित अकबर और सिंहसार से जुड़े प्रश्न के बी विकल्प को आयोग ने सही माना हुआ था, बी विकल्प को सही माना हुआ था। इसमें कुछ कह रहे हैं, पत्रिका का दावा है कि इसका विकल्प सही क्या होगा, ए होगा। इसको भी लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। और अंतिम और ठीक है लास्ट है यहाँ पे, बंगाल की ऐतिहासिक जो सोसाइटी की जो स्थापना की गई है इस संबंध के प्रश्न में ठीक है, आयोग ने विकल्प बी को यहाँ पर सही माना है, लेकिन इसमें पत्रिका का दावा है कि इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो ये थे 7 प्रश्न यहाँ पे आयोग ने, चूँकि ऑलरेडी 15 दिसंबर को जो ये परीक्षा हुई थी इसको लेके जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं वे 22 दिसंबर तक, ध्यान रखिएगा 7-6 सहित यहाँ पे जो भी है
रिसोर्स आपके पास, उसको लेके आप आयोग को आप लोगों को ईमेल करनी है। उसके बाद से फिर अब क्या होगा, ठीक है, भेजने के बाद आयोग दोबारा अगर हमें न्यूज़ देता है तो आप लोगों तक हम न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।